अगला सवाल लेते हैं हर्ष। यहाँ विजया जी ने अपना सवाल हमें भेजा हुआ है। 49 इयर्स की हैं और इनके पास कोई टर्म प्लान नहीं है अपना, और एगॉन रेलिगेयर आई टर्म प्लान कैसा है ये जानना चाहती हैं हमसे। एक गवर्नमेंट कर्मचारी हैं ये, 49 इयर्स की हैं और टर्म प्लान लेने का मन बनाया। हालांकि इन्होंने अपनी आय की डिटेल्स हमें यहाँ नहीं दी है, लेकिन रिसर्च किया है इन्होंने, तो एगॉन रेलिगेयर आई टर्म प्लान इनके लिए कैसा है। मेरे ख्याल से दो चीजें हैं। टर्म प्लान को ये एक ऐसी चीज नहीं है कि ये होनी चाहिए, जरूरत हो तो लीजिए। तो इनकी आय पर अगर कोई निर्भर है, इनके हस्बैंड अगर इनकी आय पर निर्भर है, जैसे कि हमने चर्चा भी की थी, तो ही ले, नहीं तो जरूरी अच्छा, नहीं। दोनों नहीं ले सकते हैं। अगर पति पत्नी दोनों ही कमाते हो तो दोनों के पास टर्म कवर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है और लेना भी चाहिए, क्योंकि दोनों की इनकम से नीड्स क्या फुलफिल हो रही हैं, किसकी इनकम से कितनी नीड फुलफिल हो रही है वो देखने की बात होती है। जब दोनों कमाते हैं तो ओवरऑल इंश्योरेंस नीड कम हो जाती है, बिल्कुल, बिकॉज रिस्क कम हो जाती है। एक साथ दोनों को कुछ होने के चांसेस बहुत कम है। एगॉन रेलिगेयर आई टर्म प्लान कैसा है इनके लिए? सो अच्छा प्लान है, कोई भी टर्म प्लान हो, कोई भी कंपनी का हो, अच्छा प्लान है, बशर्ते कि अगर हम ये सुनते हैं क्लेम रेशो के बारे में सुनते हैं। हाँ, उसी पर मैं आना भी चाहती थी। इनफैक्ट जैसे कि इन्होंने रिसर्च की है तो पता नहीं किन बेसिस पे इन्होंने रिसर्च की है, लेकिन अक्सर क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देखकर ही लोग किसी कंपनी का टर्म प्लान डिसाइड करते हैं लेना। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो को कंसिडर करना कितना जरूरी है? तो दो चीजें हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो यानी कि अगर 100 क्लेम हुए उसमें से कंपनी ने कितने क्लेमों का भुगतान किया, डेथ क्लेम्स का, तो उसमें किसी कंपनी का अच्छा है किसी का नहीं है। तो उससे क्या सीख लेनी चाहिए कि हाँ, अगर कोई कंपनी का बहुत लो है तो वो एक परेशानी की चीज है, वो उसको ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मेन इशू क्लेम सेटलमेंट में क्या होता है कि कंप्लीट डिस्क्लोजर नॉर्मली पॉलिसी होल्डर का नहीं होता, बिल्कुल। या तो वो अपनी तबीयत के बारे में नहीं बताता, दूसरी पॉलिसीज के बारे में नहीं बताता, या अपनी फैमिली हिस्ट्री नहीं बताता, हेल्थ हिस्ट्री, उस वजह से क्लेम होने में दिक्कत होती है। आप कहीं भी जाए, कोई भी जिस कंपनी का क्लेम रेशियो बहुत अच्छा है, अगर आपकी बड़ी पॉलिसी है और पहले 2 साल में डेथ क्लेम खुदा ना खास्ता अगर होता है जी, तो वो इन्वेस्टिगेट होगा, चाहे उस कंपनी का क्लेम रेशो 99% हो सेटलमेंट या उसका 80% हो। और अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया है तो प्रॉब्लम आएगी आपके परिवार को। तो कोई भी जगह टर्म पॉलिसी अगर लेनी है तो कंप्लीट डिस्क्लोजर करिए अपने एग्जिस्टिंग पॉलिसीज की, अपने हेल्थ हिस्ट्री की, अगर स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग की, अल्कोहल की, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, सब कुछ। और इन डिस्क्लोजर का काफी हद तक आपके प्रीमियम पर भी निर्भर करता है, असर होता है बहुत। मतलब मैं झूठ बोलकर एक कागज ले रहा हूँ, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, बिल्कुल। वो कागज मेरे काम आएगा अगर मेरे परिवार के काम आएगा अगर मेरी डेथ होती है तो। मैंने झूठ बोल के लिया है तो मेरे परिवार के काम ही नहीं आएगा। इससे अच्छा मैं सच बोलूं, थोड़ा प्रीमियम ज्यादा दूं, कम से कम मेरे परिवार के काम तो आएगा, जिस चीज के लिए मैंने लिया है उस काम तो आए। तो ये है, अगर कंप्लीट डिस्क्लोजर करेंगे तो आप कहीं से भी लीजिए। फिर भी कई लोगों को कहते हैं कि मुझे इस कंपनी में ज्यादा विश्वास है, एग्जैक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने लिया क्यों है ये पॉलिसी? अपने पीस ऑफ माइंड के लिए लिया है। अगर आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है कोई कंपनी से, दूसरी कंपनी से मिल रहा है, थोड़ा सा महंगा भी हो, ले लीजिए, पीस ऑफ माइंड खरीदिए, क्योंकि पीस ऑफ माइंड के लिए ही ये पॉलिसी ले रहे हैं। पॉलिसी जरूर लीजिए, मतलब आई थिंक अगर टर्म पॉलिसी की जरूरत है तो उसे लीजिए जरूर। कौन सी कंपनी से लेते हैं वो आपकी मर्जी है, कंप्लीट डिस्क्लोजर करिए। बिल्कुल, डिस्क्लोजर्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि उससे आपका प्रीमियम पर असर पड़ता है। लेकिन प्रीमियम को ना कंसिडर करके आप ये सोचिए कि आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक प्रोटेक्शन खरीद रहे हैं, सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, ना कि रिटर्न के चक्कर में या लालच के चक्कर में कोई टर्म इंश्योरेंस ले। टर्म इंश्योरेंस का मकसद होता है आपके अपनों की लाइफ को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए हर्ष। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।